पहन कर इधर आपका ससुराल क्या है आज आपके सामने मैं दुख का वो पंद्रह दिन वो मेरी तारीख मेरी जिंदगी में अल्लाह ना करे कभी दोबारा लौट के आए बयान करने चला हूँ मुतासरात अजीज साथियों क्या जुनम मैंने नहीं देखा मैं तो ट्रेनिंग करने आया था लेकिन मेरी एक मुश्किल घड़ी में जब मुझे यूनिवर्सिटी के एक अहम उमूर पे जाना था तो मोहतरम अमीर मास्कर ने जब इजाजत नहीं दी बिला मोहतरम नहीं यार मोहतरम नहीं यार बिला मुझे राय फरार इख्तियार करना पड़ी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पूछूं? जी आप पूछिए जी जी वो स्टेपर के साथ वो दो दिन आपके कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह उसने सीख लिया है उससे। एस टी एफ वाले लोग माशाल्लाह अच्छे मुजाहिदीन हैं, कायदीन हैं, कायदीन मिल्लत हैं, अलबत्तर नहीं। लेकिन मैं उनसे ये इल्तमास करता हूँ कि वो इस बन मुजाहिदीन को ज्वाइन करें, अलबत्तर को कभी ना ज्वाइन करें। यहाँ तो तशद्दुद हो रहा है, यहाँ तो साथियों को बिला वजह दो दो कोप किया जाता है, यहाँ तो साथियों को पाबंद सलासल किया जाता है, यहाँ तो हम याद करने आए थे और जहाँ से नफरत पैदा करने के लिए ये इदारा बना हुआ है। लेकिन मुझे तो यहाँ महसूस हुआ कि मैं गुआंतानामो बे ने तो गोरा करा दादा गुआंतानामो बे ने तो गोरा करा ये बदबूदान ओला बोलो यूट्यूब पे नहीं मेरा नहीं आलिया सर कोई कहता आलिया सर का आलिया सर लेकिन दोबारा जरा किधर आप आज इस मौके की नाश्ते से क्या लेकिन खाना खाने का वहां या मीडिया का एक बड़ा टीम आई हुई है ना टीम आई है तो आप क्या कहना चाहेंगे आजकल तबीयत के हवाले से आपने जो 12 दिन का सीखा जान ले जो खाली में एक ही पकड़ लेगा यार गोल मारे गए दर्शन गन मार नहीं है मैंने जो कमी महसूस की यहाँ वो है कैरेक्टर बिल्डिंग यानी यहाँ अखलाक की तरबियत नहीं दी जाती। अब बात पर पहुँच गए ये जो गेट लोग नहीं है ये जो बात पे बात सजा देना ये भी अच्छा नहीं नहाना भी अच्छा नहीं होता बार बार गौसल करना छोटों पर शफकत करना और बड़ों का एहतराम करना या तो ना बड़ों का एहतराम किया जाता है ना छोटों पर शफकत किया जाता है। और दूसरी कमी जो हमने महसूस की वो है दर्स कुरान यहाँ बिल्कुल दर्स कुरान नहीं दिया जाता है। इस पर हमारा ईमान है कुरान पर हमारा ईमान है जिससे ईमान मजबूत हो जाता है तो ये एक किस्म की कमी है। और दूसरी कमी ये है कि ये जो नए साथी आते हैं नए और पुराने साथियों को एक पल्ले में डाल देते हैं हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि स्टेप वाइज एक्सरसाइज देना चाहिए। एक बंदा अपनी सिफात के मुताबिक जितना एक्सरसाइज कर सकता है उतना ही उन्हें वो कल जो उसने सजा दी थी उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो दूसरे शेख खारी साहब को? वो मेरा साथी है मेरे साथ आया हुआ है लेकिन उसने उनसे गलत बात तो नहीं की तो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते बजा फरमाया अपनी वैसे कुरान मजीद में भी है ना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा यार ये क्या तकरीर कर रहे हैं आप उतना ही बोझ डाल लेता है एक इंसान पर लेकिन हमारे साथ ही साथ साथ कह दिया पे यूट्यूबर कह दिया कि भाई ये मेरी बस की बात नहीं है हम तो अल्लाह की रजा के लिए निकले हुए लेकिन वो उसे डांट पड़े इनका ही
عزیز ساتھیوں السلام علیکم. میرے دو دن جو اسٹیپ ہونے کے میں گزرے تو وہاں مجھے امت کی بہن پاکستان کی بہن ڈاکٹر عافیہ یاد آئی اور مجھے وہ دیکھ کر حوصلہ آیا. میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب مجھے گوانتانامو بے لے گیا. مجھے ایک جگہ حبس بیجا میں رکھا گیا. دو دن تک میں حبس بیجا میں رہا. میں اس حبس بیجا کی مذمت کرتا ہوں اور میں اس کا قانونی ایکشن بھی لوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بھی کروں گا. میں جب آپ وکیل بنیں گے تب. میں میڈیا سے میڈیا پرسن کا بہت شکر گزار ہوں. میں تشریف لائے اور گوانتانامو جیل کے حالات کو انہوں نے دیکھا. اگر ادھر سیکیورٹی نہیں ہوتی تو ہمارے اندر بھی حالات بھی نہیں آ جاتے. بس بس مجھے